हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट 2020 ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों है? क्योंकि आप लोग इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं तो आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूँगा। कई बच्चों की आप में से कई बच्चों की मेरे से बात हुई, पर कईयों की नहीं हो पाती है। तो जो मैडम से बात होती है, जो आपने फीडबैक दिया या जो आप मुझे मैसेज करते हैं, उसके बाद मैं ये सेशन ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से समझिए। और ये सेशन उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो ऑनलाइन से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर इम्पिटस गुरुकुल के स्टूडेंट ऑनलाइन से जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सबको क्या क्या पढ़ने में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, कैसे पढ़ना है, ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं। और आपने इसीलिए नोटिस किया होगा कि मैं कई सारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो अब यहाँ पर वन वीक के एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, उनका सेशन भी इसलिए शेयर करता हूँ कि आप समझ पाएं कि अगर आप घर लेके पढ़ रहे हैं तो हो सकता है जो ऑनलाइन यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आया, जो मिस्टेक उसने की, हो सकता है वही मिस्टेक आप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और इनफैक्ट उनके आने से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है ऑनलाइन वालों से, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास दो तरह के बैच हो गए हैं, जैसे एक ओल्ड बैच है, एक न्यू बैच है जो 5 अगस्त है। अब आप में से कई सारे बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर हम किस बैच को फॉलो करें, ओल्ड या न्यू। मैं आपको एक चीज़, मैंने इसके पहले सेशन लिया था, उसमें सारी चीज़ें बताई थी, फिर भी हो सकता है आपका कुछ कन्फ्यूजन हो, वो दूर करना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपसे बोला अगर आप ऑनलाइन कोर्स से इम्पिटस गुरुकुल के जुड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं होगा, पूरे साल इवन आने वाले समय में भी आपको 100% सपोर्ट मिलेगा और हर एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप चाहते हो मिलेगी। इवन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी मुझसे बात करते हैं, मैं अपनी लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए वो करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सब ध्यान से सुनिए, नहीं जुड़े हैं तो भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगा सभी ऑनलाइन वाले बच्चों से कि अभी तक जो ओल्ड बैच है उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। नंबर सिस्टम, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। लॉग, लॉग मतलब कंसेप्ट ऑफ लॉग। इन इक्वेशन, मॉडुलस फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सेट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और अभी ओल्ड बैच में इस समय प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ये हुआ बेसिक। इसमें से कई सारे सेशंस को हम लोग, जैसे लॉग में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं, जो भी है, संडे टेस्ट पेपर्स हैं, वो सब आप ऑनलाइन वाले बच्चों को जो लिंक शेयर किया हुआ है, जो आपको वीडियोज़ मिलते हैं, उसमें अपडेशंस रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। इस बार ये एक नई चीज़ है, बाद में जाके इनफैक्ट आप ऑनलाइन टेस्ट भी दोगे, ये भी चीज़ होगी। अब जो आपके डाउट हैं, एक कि किस बैच को फॉलो करें, दूसरा टेस्ट कौन से देने होंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ते हैं और जब क्लासरूम कोर्स में हम कोई पढ़ाते हैं तो क्लासरूम कोर्स में जो टॉपिक हम चला रहे हैं वही बच्चा पढ़ता है, पर ऑनलाइन कोर्स में बच्चे के पास एक स्कोप ये भी होता है कि जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो भी पढ़ सकता है और जो चल रहे हैं वो भी पढ़ सकता है। ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन लगेगा, पर जैसे क्लास में दो टॉपिक एक टाइम पे चलते हैं बट उनकी ड्यूरेशन वन वीक इवन 15 डेज होती है। जैसे PNC को 15 दिन लगे, प्रोबेबिलिटी भी 15 दिन चलेगा। तो आप उसको सबसे पहले, जब ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ आए और उन्होंने बताया कि सर हम तो पहले पूरे वीडियो देख लेते हैं और फिर पढ़ना चालू करते हैं, ये एकदम रॉन्ग अप्रोच है। जैसे क्लास में 1 घंटा पढ़ाया, 1.5 घंटा पढ़ाया या 2 घंटे पढ़ाया, उसके बाद बच्चा पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करता और फिर अगले दिन पढ़ाया जाता, वैसे ही आप भी करिए। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं कि आप दो टॉपिक एक साथ स्टार्ट करें, आप सिंगल भी कर सकते हैं। अब अगर हम न्यू बैच और ओल्ड बैच को देखें तो 4 टॉपिक हो गए। तो ऐसे में कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि सर हम 4 टॉपिक कैसे करेंगे। आपको 4 नहीं करने, आपको 3 नहीं करने, आपको 2 नहीं करने, आप 1 भी करेंगे तो चलेगा, 2 करेंगे तो और अच्छा, 2 करने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट आप 1 भी करेंगे तो चलेगा। एक और बात, अब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके साथ एक और प्रॉब्लम है। वीडियो बहुत बेसिक से बने, आपको हर चीज़ क्लियर होती है उसमें, पर आप 2 टॉपिक की जगह सजेशन है एक एक टॉपिक करके चलें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर वो चीज़ की जाए जो चल रही है यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक अच्छे से किया जाए। दूसरा, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बोलूँगा, ओल्ड टेस्ट और न्यू टेस्ट दोनों ही मिलेंगे आपको। ऐसे में जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसी का दें, करेंट टॉपिक हम जो बता रहे हैं उसके टेस्ट मिलेंगे आपको, पर जो हो चुके हैं उनके भी मिलेंगे। तो आप एक एक करके करना चालू करें बिना घबराए। अभी हमारे पास लगभग 10 मंथ हैं, 10 मंथ काफ़ी टाइम होता है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। 0 मैथ्स होने पे भी आप कर सकते हैं, पर परेशान ना हो, 0 मैथ्स है, 11th 12th में मैथ्स नहीं है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 9th 10th की मैथ्स से प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा। स्पेशली अच्छा, यही टॉपिक पहले क्यों कराए जाते हैं ये समझना भी जरूरी है, इनसे पूरा मैथ्स का कंसेप्ट बिल्ड होता है, ये बिल्ड होने का फायदा होता है। अब मैं बात करूँ कि 5 अगस्त के बैच में क्या स्टार्ट हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग स्टार्ट हुआ था, अब इन इक्वेशन हो गया है, क्योंकि लॉग छोटा सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा टॉपिक है, पूरे वीक चलेगा।
तो आप अगर मान लीजिए 5 अगस्त को, क्योंकि अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो 5 अगस्त के बैच को फॉलो कर सकते हैं, पुराने हैं इनमें से कोई टॉपिक छूटा पहले वो कवर करें फिर आगे बढ़ें। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये सोचने की जरूरत है, मैंने ये आपको बताया ही क्योंकि सारे टॉपिक हो गए, कि आप एक एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से करें और हर एक घंटे के वीडियो के बाद, 1 घंटे वीडियो देखने के बाद 3 आवर्स की सेल्फ प्रिपरेशन करना है, और पहले बेस बुक से करना है। मतलब आप उसमें कोई भी बुक ले सकते हैं, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव ले सकते हैं या एनसीईआरटी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव बुक पे जब तक ना जाए जब तक एक बार बेस क्लियर ना हो जाए, सब्जेक्टिव पोर्शन अच्छे से क्लियर ना हो जाए, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस ना करें, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें। तो ऐसे कुछ चीज़ें करें। तो सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ध्यान रखिए। नंबर 1, आप एक समय में एक टॉपिक करें चलेगा, या 2 करें वो भी चलेगा। अब 2 टॉपिक आप या तो 5 अगस्त के बैच को फॉलो करते चलें, 5 अगस्त में यही ऑर्डर यही टॉपिक्स पहले कवर होंगे, और ये लगभग 1 महीने चलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद फिर होगा सेट, इधर पे नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम के बाद क्लॉक, कैलेंडर, ये टॉपिक्स होंगे। ये अगले 15 दिन का मैंने बता दिया, हर 15 दिन में मैं सेशन आपका लेते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। पर आप 1 बाय 1 करें। अब हर दिन कई सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो आप सभी को बोलूँगा कि आप जिस दिन से जुड़े हैं, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, तो 5 अगस्त को फॉलो करते हुए एक एक टॉपिक करते चलें। आपके पास कोर्स होता है, आप घर पर रह कर दिन भर पढ़ाई करते हैं, कोशिश करिए कि इन टॉपिक्स को जितना कम समय में कर पाए उतना अच्छा है, बट बेस बुक के बिना ना करें। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर लॉग कौन सी बुक से पढ़े। देखिए, लॉगरिथमिक सीरीज अलग है, लॉग अलग है। लॉग का बेसिक कंसेप्ट आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक में मिल जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की आरएस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। इन इक्वेशन कहां मिलेगा, ये मिलेगा 11th की बुक में। मॉडुलस फंक्शन कहां मिलेगा, ये मिलेगा 11th की बुक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां मिलेगा, ये मिलेगा 11th की बुक में। पर अगर आपका मैथ्स नहीं है तो मैं बोलूंगा 10th की बुक से और 9th की बुक से पॉलीनोमियल इक्वेशन के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। बाइनोमियल थ्योरम कहां मिलेगा, 11th की बुक में। सेट 11th की बुक में, पीएनसी 11th में, प्रोबेबिलिटी 11th प्लस 12th में मिलेगा, इवन 10th में इसका बेसिक। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आप यहां जा सकते हैं। मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो कहां करना है। क्लॉक एंड कैलेंडर कहां मिलेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक में। वीडियो के अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। नंबर सिस्टम कहां मिलेगा, क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड की बुक में। बाकी नंबर सिस्टम का पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बुक में भी मिलता है, तो मैंने इसको अलग अलग डिफाइन किया। तो आप ये चीजें ध्यान रखिए कि कौन सी चीज कहां मिल सकती है। बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना सोचें। ऑब्वियसली जिसने 6 महीने पहले पीडी ली होगी, कोर्स लिया होगा, उसने काफी चीजें कर ली होंगी। जो आज ले रहा होगा वो आज से स्टार्ट करेगा, हो सकता है आज से 1 महीने बाद जो लेगा वो उस समय के बैच से करेगा, अभी नेक्स्ट मंथ भी बैच होगा। तो हम जिस दिन से भी स्टार्ट करें प्रिपरेशन, हम उस दिन से एक एक टॉपिक को कवर करना चालू करें, और एक एक टॉपिक होता जाए वो करते जाए। दूसरा, एक टॉपिक कंप्लीट होने का जब सेकंड करें, तो प्रीवियस टॉपिक जो भी होते जाएं उनका रात को रोज एक आदत डालने की, 30 मिनट जो टॉपिक, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो रात को सोने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन कर लिए एट रैंडम, लॉग हो गया 10 क्वेश्चन कर लिए, इन इक्वेशन हो गया 10 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन क्वाड्रेटिक करा, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाए, अभी टॉपिक नहीं बढ़े तो हर दिन कर रहे हैं, बाद में टॉपिक बढ़ जाएंगे तो एक दिन क्वाड्रेटिक, एक दिन लॉग, एक दिन इन इक्वेशन। रिविजन इसलिए जरूरी कि आप ऐसा ना हो कि आगे बढ़ रहे हैं पर पीछे का भूल रहे हैं। तो एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। 1 आवर वीडियो 3 आवर सेल्फ स्टडी, 1 आवर वीडियो 3 आवर सेल्फ स्टडी, 1 आवर वीडियो 3 आवर सेल्फ स्टडी। पर आप अगर मान लीजिए 6 to 7 आवर पढ़ते हैं, तो 2 घंटे के, 1 घंटे का वीडियो देख के 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, 1 घंटे का वीडियो देख के 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये 6 घंटे प्लस 2 घंटे का वीडियो 8 घंटे और 2 घंटे पुराने टॉपिक का रिविजन 10 घंटे, ये उनके लिए जो ड्रॉप आउट लिए हुए हैं। अब बात करते हैं, मुझसे सबसे ज्यादा फाइनल वाले बच्चों का क्वेश्चन है कि कॉलेज के साथ 2 टॉपिक मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, सर क्या करना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप 2 टॉपिक मैनेज ना करें, आप सिंगल सिंगल टॉपिक करके चलें, आप एक समय में एक टॉपिक करें, कोई भी एक टॉपिक करें। अब आपके पास जब संडे को पेपर आता है तो ये चॉइस आपके पास है कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं आप उसी का पेपर दें, जो बाकी पेपर हैं वो जब होते जाए जब दें, वो आपके रिकॉर्ड में ऐड होते जा रहे हैं, आपके जब होते जाए जब दें। जैसे यहां पर भी बच्चा क्या होता है, आता है आज कोई बच्चा आया तो उसने आज से ज्वाइन किया, तो जो टॉपिक आज पढ़ रहा है वो उसका टेस्ट देगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक का देगा, फिर नेक्स्ट। भले ही पुराने बच्चे 10 टेस्ट दे चुके हैं, वो टॉपिक मैंने उनको बोल रखा है कि वो आपको अभी नहीं देखना है। और कुछ जगह तो देखिए ऑनेस्टी आपकी ही लगेगी, इवन क्लास में भी यही, वहां पर भी अगर क्लास का कोई बच्चा, नया बच्चा पुराने बच्चे से टेस्ट ले ले तो वो देख सकता है, पर इससे लॉस उसी का होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलूंगा, आपके पास भले ही टेस्ट पेपर्स आ जाए बट आप उसे नहीं देखेंगे, ये ऑनेस्टी आपकी होगी। ऑनलाइन में तो सबसे ज्यादा ऑनेस्टी आप ही की लगेगी, अगर आपकी ऑनेस्टी नहीं हुई तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा रिजल्ट दे पाएं।
तो ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीजें लगती हैं। तो जब ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ आते हैं, आपने उनके एक्सपीरियंस सुने होंगे, वो उनको लगता है 4 घंटे पढ़ के भी बहुत पढ़ लिया, जबकि यहाँ क्लास में मैं देखता हूँ 10-10, 12-12 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। वही आपको करना है। अब मैं बात कर रहा था फाइनल ईयर वालों के लिए, तो फाइनल ईयर वाले कॉलेज के साथ अगर मैनेज करने में दिक्कत हो रही तो 1-1 टॉपिक्स को कवर करें, कॉलेज का भी पढ़ें, और इस केस में वो 4 आवर की स्टडी रखें। उस 4 आवर में 1 आवर का वीडियो सेशन, 3 आवर की सेल्फ प्रैक्टिस, और कोशिश करें अगर 1 घंटे में जो टॉपिक हो चुके हैं उनका रिविजन कर पाएं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाएं तो हफ्ते में कोई 1-2 दिन जिस दिन कॉलेज नहीं जाते उस दिन कर लें, मतलब सैटरडे संडे को करें रिविजन। इसके अलावा संडे टेस्ट पेपर का डिटेल एनालिसिस करें। GDO सॉल्यूशंस आपको अब रेगुलर मिलते रहेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो सॉल्यूशन करना। अगर आपने वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से नहीं किया तो आप समझ के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। तो हर पेपर का पहले खुद से एनालिसिस करें, फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लें। पहले पेपर खुद सॉल्व करें, 2-2, 3-3 बार करें। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन तक बच्चों को देते हैं, पहले सेल्फ करें, जितना आप खुद उलझेंगे उतना फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद एक बार करा, हो सकता है 10 डाउट आए, अगली बार फिर वही क्वेश्चन करें, हो सकता है 5 आए, फिर करें 2 आए, जब ये होगा तो समझ लीजिए सही है। और मैं आपके साथ वही क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो यहाँ पर डाउट है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि जब यहाँ पर जो बच्चों के डाउट नहीं वो आपके भी नहीं होंगे, और ऐसा होता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करिए। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड जब भी बढ़ेगी जब जो पेपर दे चुके उनको ब्रीफ सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, उसका फायदा आपको मिलेगा। यानी एक ही पेपर को सोने से पहले जितने पेपर आप दे चुके हैं हर दिन 1-2 पेपर सॉल्व करें, और 1 घंटे का पेपर आप 10 मिनट में करें अगर दे चुके हैं, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार मैं फाइनली फिर बोलना चाहूंगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को सभी को एक क्लियर मैसेज है, एक एक टॉपिक करें या एक समय में 2 करें, कौन से करना है ये नाम लिखे हुए हैं, कौन से चलना है ये मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल परेशान ना हो, 1 बाय 1 स्ट्रांग करते जाएं, और जो टॉपिक होता जाए उसका रिवीजन करें। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों का तो सेशन मैंने अलग से लिया, उनको 11th और 12th पे फोकस करना, अभी फाउंडेशन पे, ऑब्जेक्टिव पे नहीं। बाकी फाइनल ईयर में हैं तो कॉलेज के साथ ट्राई करें कि 4 आवर से अगर 5 आवर भी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और इस बार इम्पिटस गुरुकुल में फाइनल के उन बच्चों ने भी रिजल्ट दिया जो जनवरी में ज्वाइन किया हुआ है, तो आप भी अच्छा एक रिजल्ट देंगे, बिल्कुल ऐसा करूंगा। और जो जो आपके डाउट हैं बिल्कुल मुझे क्वेश्चन भेजें, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इसका सेशन लेता रहूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।